दिसंबर के महीने में पूरे शहर में बर्फ गिर रही थी और उसी दिन राधिका के घर पे राधिका का मर्डर हो जाता है। राधिका के अलावा घर में चार लोग और थे, पिंकी, सना, मीना और सारिका। सभी वहां पर आते हैं और देखते हैं कि राधिका को किसी ने मार दिया है, तो इंक्वायरी के लिए सभी लोग पुलिस को फोन करते हैं। थोड़ी देर में वहां पर इंस्पेक्टर आते हैं और वहां आकर सबसे एक एक करके पूछते हैं कि राधिका को किसने मारा है। पिंकी कहती है कि मैं टीवी देख रही थी, मैंने राधिका को नहीं मारा है। सना कहती है कि मैं खाने की तैयारी कर रही थी, मैंने राधिका को नहीं मारा है। मीना कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं अपने रूम में पंखा चला के सो रही थी। सारिका कहती है कि मैं अपने मामा के घर गई थी, वहां से अभी आई हूँ, मैंने राधिका को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर समझ जाते हैं कि राधिका का मर्डर किसने किया है। दोस्तों, क्या आप पता कर पाए कि राधिका का मर्डर किसने किया है? आंसर जानने से पहले अपना आंसर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, राधिका का मर्डर मीना ने किया है, क्योंकि मीना कहती है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं रूम में पंखा चला के सो रही थी। दिसंबर के महीने में बर्फ गिर रही है और इतनी सर्दी में मीना पंखा चला के कैसे सो रही थी? इसका मतलब है कि मीना झूठ बोल रही है, मीना ने ही राधिका का मर्डर किया है। आज की अगली पहेली है, दोस्तों इस सीन को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि गीता और नैना दोनों में से कौन बचेगा? आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकंड। दोस्तों, क्या आप पता कर पाए कि गीता और नैना में से कौन बचेगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों, गीता और नैना दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आप गौर से देखेंगे कि इस सीन में गीता और नैना दोनों ही एक दूसरे की तरफ बाइक चलाते हुए आ रहे हैं, जिससे दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे और दोनों ही गिर जाएंगे। इसका मतलब है कि गीता और नैना दोनों ही नहीं बचेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।